कराची से नून लीग के रुख मुकामी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जानते हैं आजाद नेहरियों से, आजाद नेहरी अब्दुल हकीम बलोच की पीपल्स पार्टी में शमूलियत की क्या वजूहत सामने आई? जी बिल्कुल, कराची से मुंतखब हैं मुस्लिम लीग नवाज के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल हकीम बलोच, जिन्होंने मुस्लिम लीग नवाज से अपनी सियासी राहें वो जुदा कर दी है। उन्होंने आज इस वक्त जो बिलावल भुटो जरदारी से बिलावल हाउस कराची मुलाकात की, उस मुलाकात में अब्दुल हकीम बलोच ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अब्दुल हकीम बलोच आम इंतखाबात में कराची का हलका इन्हें 258 वहाँ से मुंतखब हुए थे मुस्लिम नवाज के टिकट पर, और उसके बाद में वो ममलकती वजीर भी रह चुके हैं मुस्लिम नवाज की काबीना में, और इस वक्त जो है उनके अलावा जो थे मुस्लिम नवाज की क्यादत से वो थे। उनका ये कहना है कि मुस्लिम नवाज वो पार्टी जिसके अंदर भी आमरत मौजूद है, जिसके बायस उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला किया है, और इन्होंने जो है कौमी असम्बली का हलका इन्हें 258 है वहाँ से भी मुस्तफी होने का फैसला किया है। उनका ये कहना है कि वो अपने इस्तीफा जो है जल्द स्पीकर कौमी असम्बली को अरसाल कर देंगे। अब्दुल हकीम बलोच जो है इससे कबल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, वो सूबाई वजीर रहे हैं, रुकन सूबाई असम्बली रहे हैं, और उनके बाद उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी से हुए, उसके बाद में उन्होंने मुस्लिम नवाज। शुक्रिया आजाद नेहरियो।